आज की हम इस वीडियो में थोड़ा सा तुलनात्मक विचार करते हैं आईपीएस और आईएएस ऑफिसर के बारे में। नंबर एक, आईएएस तथा आईपीएस दोनों का चयन यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा द्वारा होता है। नंबर दो, कैडर कंट्रोल अथॉरिटी। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही ऑल इंडिया सर्विस हैं, लेकिन दोनों की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग अलग होती है। आईएएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होती है, जो कि सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होती है, लेकिन आईपीएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री से होती है, जो गृह मंत्रालय के अधीन होती है। नंबर तीन, पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही सेवाओं का जॉब प्रोफाइल बहुत ही ब्रॉड होता है और दोनों ही बहुत पावरफुल पोस्ट पर तैनात होते हैं, परंतु आईएएस एक डीएम के रूप में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है, परंतु एक आईएएस डीएम के पास डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी मुखिया होता है। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी भी डीएम के पास होती है। लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़ी हुई डिसीजन डीएम ही लेता है। भारत की इन दोनों सर्वश्रेष्ठ पोस्ट में से आपके लिए कौन सी पोस्ट अच्छी लगती है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब।